अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक न्यू रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चरखारा कबाब बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। इसे हम आलू से बनाएंगे और यकीन मानिए चिकन और बीफ के कबाब आप भूल जाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही क्विकली रेडी होते हैं। तो रेसिपी को फुल फॉलो कीजिएगा, चैनल पर न्यू है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलें। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चॉपर ले लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे एक अदद प्याज। अगर आप इसी हिसाब से बनाना चाहते हैं तो फुल रेशो फॉलो कीजिएगा। तो एक प्याज साबुत ही मैंने ऐड कर दी है, बीच में से कट कर ली थी। धनिया ऐड कर दिया है एक मुट्ठी के बराबर, उसकी थोड़ी सी डंडियाँ भी ऐड की हैं। साथ इसमें ऐड कर देंगे पुदीना, ये भी तकरीबन एक मुट्ठी के बराबर ही इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 5 से 6 जवे के बराबर लहसुन। हरी मिर्च एक अदद ऐड कर दी है। इसके साथ इसमें ऐड कर देंगे ब्रेड, ब्रेड के यहाँ पर 2 अदद स्लाइसेस हम यूज़ करेंगे जिससे बहुत अच्छी सी बाइंडिंग होगी, क्योंकि ये जो कबाब हम बनाने लगे हैं इसके ऊपर हमने कोई भी कोटिंग नहीं करनी। तो बहुत अच्छे से मिक्सी जार में इसको चला लेंगे और बहुत ही स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो बहुत अच्छे से चॉप हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर ये मोटे मोटे चंक्स इसके बाकी रहेंगे तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अब हमें चाहिए होंगे यहाँ पर आलू, तो यहाँ मैंने 1/2 किलो के बराबर आलू बॉयल कर लिए थे और इनको मैंने छिलके समेत ही बॉयल किया था, और पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह से इनको मैश कर लेंगे। आलू अगर गर्म होंगे तो जल्दी से मैश हो जाएंगे, अगर ठंडे करके आप इनको मैश करेंगे तो फिर मैश में मुश्किल होती है। अगर आपके पास आलू ठंडे मौजूद हों तो आप उन्हें ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से इनको पीस लूँगी। तो आलू मैंने बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं, अब इनमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ऐड कर देंगे इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ है ये, इसके साथ इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे 1/1 टीस्पून के बराबर, भर के ऐड कीजिएगा। इसमें जो स्पाइसेस हैं बहुत डिफरेंट हैं, ज़रूर आपने इस टाइम पर वीडियो को फुल वॉच करना है। नमक ऐड कर देंगे, इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे कुटे हुए लाल मिर्च तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर, नमक अपने हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे तंदूरी मसाला, टिक्के का जो तंदूरी मसाला मिलता है वो इसमें ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा और जो टेस्ट है इन्हेंस हो जाएगा। 1/2 टीस्पून के बराबर इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस, साथ ही अब जो मिक्सचर हमने रेडी किया था पुदीने और धनिया वाला वो इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने इसकी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देनी है, इसी में ब्रेड भी मौजूद है और इसी से बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी और कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आपके सामने फ्राई करूँगी, तो चाहें तो आप स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लीजिए, स्पून की मदद से आप पर डिपेंड करता है, लेकिन हाथों की मदद से कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो बहुत अच्छी तरह से हाथों की मदद से यहाँ पर मैं इसको मैश कर लूँगी। एक दफ़ा ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल डिफरेंट कबाब बनते हैं। इनका जो फ्लेवर है वो इस तरह से आएगा जिस तरह से फ्राई फिश है या फिर आप चिकन ब्रोस्ट खा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी कबाब बनते हैं। इनकी जो शेप है वो भी हम काफ़ी डिफरेंट देंगे। तो बहुत अच्छी तरह से मैंने ये मिक्सचर रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी बड़े बड़े चंक्स मौजूद नहीं हैं। अब क्या करेंगे, इसको रख देंगे फ्रिज में तकरीबन 10 मिनट के लिए, जिससे थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और कबाब की जो शेप है वो बनाना आसान हो जाएगी। तो इसको भी मैंने रख दिया था फ्रिज में, उसके बाद हम कबाब की शेप देंगे। तो हाथों पर ऑयल लगा लीजिएगा, 1-1 टेबल स्पून के बराबर आपने ये मिक्सचर लेना है और कबाब बनाना स्टार्ट करने हैं। इसकी जो शेप है थोड़ी सी हम डिफरेंट देंगे जो देखने में अच्छी लगेगी, तो थोड़ी सी मैंने इसकी जो शेप है वो डायमंड शेप दी है, और इसके ऊपर जब हमने कोटिंग करनी है वो भी काफ़ी डिफरेंट है, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो देखिए इस तरह से शेप दे दीजिएगा, देखने में अच्छे लगेंगे। 1-1 टेबल स्पून आप मैयर कर अगर इसे बनाते जाएंगे तो बिल्कुल एक जैसे ये कबाब बनेंगे और शेप भी बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। तो देखिए कितने आसानी के साथ मैंने ये शेप दे दी है। आप चाहें तो आप इसकी सर्कल शेप बना सकते हैं, चाहे तो स्क्वायर शेप बना लीजिए, लेकिन इस तरह की अगर आप एक शेप बनाएंगे लीफ की तरह ये लगते हैं, डायमंड शेप की तरह लग रहे हैं, तो ये देखने में अच्छे लगेंगे। तो इसी तरह से मैं सारे फटाफट से रेडी कर लूँगी। हाथों पर आपने ऑयल ज़रूर लगाना है क्योंकि इसके अंदर हमने ब्रेड ऐड की है, तो थोड़ा सा ये स्टिकी हो जाएगा।
तो माशाल्लाह से फटाफट से ये सारे कबाब रेडी हो जाते हैं। इसी तरह मैंने सारे कबाब बना लिए हैं और अब हमने इसके ऊपर कोटिंग करनी है। तो इसके ऊपर ना तो हमने स्लरी लगानी है, ना ही हमने एग की कोटिंग करनी है, इसके ऊपर मसाले की कोटिंग करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले 1 टेबलस्पून के बराबर तंदूरी मसाला, अगेन यानी कि दोबारा ऐड किया है, नमक ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर, इसमें ऐड कर देंगे सूखा धनिया, ये पिसा हुआ ही ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून, इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च। जो हमने आलू में मसाला ऐड किया था, जितने भी स्पाइसेस ऐड किए थे, तो उसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम रखा था और इस टाइम पर भी आपने हाफ हाफ यानी कि क्वांटिटी को कर लेना है और इसी हिसाब से इसको बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म के कबाब बनेंगे और स्पाइसेस भी इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि कबाब को उठाते जाएंगे, इस मसाले में कोट करते जाएंगे, जिस तरह से फ़िश फ्राई की जाती है उसके ऊपर कोटिंग की जाती है मसाले की, उसको बाद में मैरिनेट कर लिया जाता है, तो इन कबाब को हम मैरिनेट नहीं करेंगे क्योंकि आलू के कबाब हैं, इनको फटाफट से फ्राई करेंगे। इसीलिए इन कबाब को चटखारा कबाब कहा जाता है क्योंकि अंदर भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसके और ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा चटखारेदार कबाब हैं। इसी तरह से सारे मैं रेडी कर लूँगी, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। इनको आप फ्रीज नहीं कर सकते क्योंकि आलू की रेसिपी है ये, आपने बस इनको फ्रेश ही बनाना है और फ्राई करना है। पहले सारों पर कोटिंग कर लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद फ्राई कीजिएगा, ऑयल गर्म करने के लिए रख लीजिएगा, अच्छे से ऑयल गर्म होना चाहिए। इसमें आपने जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई की तरफ ही रखनी है, लो नहीं रखिएगा क्योंकि ऊपर हमने कोई भी चीज़ नहीं लगाई। तो बस एक एक करके इनको ऐड करते जाएंगे और जब लगेगा कि एक साइड बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है, उसके बाद इसको टर्न करेंगे। क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं की हुई, तो पहले एक साइड को बहुत अच्छे से कुक होने दीजिएगा। तो देखिए कितना अच्छा सा इस पर कलर आता है, देखने में इस तरह से लगेंगे जिस तरह से फ़िश फ्राई हो रही है, और ये वाला जो ऑयल है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाता। पहले ही आप ऑयल को कम रखिएगा और यही वाला ऑयल आप किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ ये कबाब बन जाते हैं। आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इस टाइम पर वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है, इसी तरह से मैं बाकी का बैच भी रेडी कर लूँगी। और मैंने सारे ही कबाब फटाफट से रेडी कर लिए थे, जितना मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था वो इनफ रहा था सारे कबाब्स के लिए, तो ऑयल भी बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ था। और जिस तरह से फ़िश फ्राई की जाती है मसाले वाली, उसका ऑयल भी बच जाता है तो यूज़ हो जाता है, ये वाला ऑयल भी यूज़ हो जाएगा। तो रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। कबाब का फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। एक दफ़ा ट्राई करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से बहुत सी अमेजिंग सी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई हैं, तो काइंडली मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।